अस्सलाम वालेकुम, हमारी गोज़ इन समरकंद में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद हामिद रफ़ीक और कैमरे की बैक साइड पे ज़ीशान आके मौजूद हैं। काफ़ी अरसे से हम लोगों ने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की थी, उसकी वजह ये थी कि हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ कुछ काम कर रहे थे वीडियोज़ के हवाले से। यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑफिशियल पेज बनाया उनके लिए, सो उस पर हम लोग थोड़ा सा वर्क कर रहे थे, इस वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। पिछले काफ़ी दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और मौसम जो था वो काफ़ी ज़्यादा सर्द था, लेकिन आज ज़ीशान भाई आप थोड़ा सा हॉस्पिटल को दिखाएँगे तो आज जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा हुआ है। आप देखें कितनी प्यारी धूप निकली हुई है और ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये रिपब्लिकन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नंबर 1, जिसको जहाँ पर हमारी मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो है वो हमारी इधर ही होती हैं, प्रैक्टिकल्स की क्लासेस जी। तो आज की जो वीडियो है वो हम एक बहुत सारे हमें इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए और उसके बाद कमेंट्स सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्राइटेरिया एडमिशन का, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ETC, जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको हमने एक जगह हमने उन सबको रीड किया और उसके बाद इस वीडियो में हम उनके आंसर देने जा रहे हैं। मतलब एक Q&A वीडियो होने जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें अब वीडियो स्टार्ट, अभी क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ज़ीशान भाई क्वेश्चन पूछेंगे और हम उनके आंसर करेंगे जी। तो ज़ीशान भाई स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये है कि रिसेंट स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? रिसेंटली अगर सिचुएशन देखी जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड तो पेंडेमिक के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है उन्होंने वो बंद कर दिया सिस्टम, मतलब ऑनलाइन सिस्टम चला रहे थे लेकिन ऑफलाइन बंद कर दिया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं चाइना की, तो सबसे पहले जो बंद किया था वो चाइना ने ही किया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले चाइना को चूज़ करते थे, सो क्या हुआ पेंडेमिक की वजह से उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम में उन्होंने क्या तरतीब रखी, उन्होंने तरतीब रखी कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वही पढ़ा रहे थे। मेडिकल सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल कभी भी पॉसिबल नहीं है आपको पढ़ाया जा सके। अभी जो जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन में भी एडमिशन लिया था उनको भी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे हमारी बातचीत होती थी तो उनको भी यही मसला फेस करना पड़ता था कि उनके जस्ट वो लैंग्वेज की क्लासेस चलती, एक दो और क्लासेस चलती, जो मेन सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस 2 साल से उन लोगों की नहीं हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, अभी तक हमारा उनसे रहता, अभी तक भी उनकी, अभी कुछ जो है वो चाइना में गए हैं लेकिन फिर सुनने में आ रहा है कि दोबारा लॉकडाउन होने जा रहे हैं चाइना में। उसके बाद यूक्रेन को सिलेक्ट किया जाता था, अभी हम टॉप की कंट्रीज़ में आ रहे हैं जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ थी। यूक्रेन का क्या था, यूक्रेन में जो है वो वॉर स्टार्ट हो गई, सो वहाँ से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब उनके पास सेंट्रल एशिया ही एक चॉइस बचा था। सेंट्रल एशिया में जो 3 मेन चॉइसेस हैं वो किर्गिस्तान आता है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। किर्गिस्तान का क्या है कि पिछले कुछ सालों से उनकी उन्होंने कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं कि एक ही बिल्डिंग में जस्ट एक यूनिवर्सिटी बना दी, मतलब प्राइवेटाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा था और उधर क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता। सो इस वजह से PMC ने रूल्स बनाए थे और उस रूल्स के मुताबिक उन्होंने उनको बैन कर दिया था। बैन करने के बाद फिर दोबारा बहुत सारे प्रोसेस चले, अभी जो है वो कंडीशन नॉर्मल है लेकिन फिर भी वो जिसे क्या कहते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन में, उसका कुछ पता नहीं किर्गिस्तान का कभी किस स्टेट में कभी किस स्टेट में, वो जैसे ही PMC और PMDC चेंज होती रहती है वैसे ही उसके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। फिर उसके बाद आता था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का क्या, कजाकिस्तान भी एक अच्छी जगह है और उज़्बेकिस्तान, ये 2 चॉइसेस बच गई थी, ये भी अच्छी थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है कजाकिस्तान की वो इंडिया की तरफ से, इंडियन जो उनकी है NMC उन्होंने उसको बैन किया हुआ था। सो इसकी वजह से मोस्टली इंडियन स्टूडेंट उज़्बेकिस्तान को प्रेफर करते हैं और सेम पाकिस्तान का भी यही है कि वहाँ पर भी ये सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो एक प्रोग्राम का डिफरेंस आ रहा था, PMC ने अपने रूल्स निकाले थे जिसमें MD और MBBS को उन्होंने थोड़ा बहुत डिफाइन किया था। सो कजाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में वो अभी तक स्टिल MBBS करा रही हैं और इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो उज़्बेकिस्तान को प्रेफर करते हैं और ज़्यादा जो है वो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये स्टेट की पहली यूनिवर्सिटी है। जो सबसे पहली बात है इसकी, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, डिग्री की वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसके बाद यहाँ पर अब ऑफिशियली MD प्रोग्राम 6-year प्रोग्राम चल रहा है। अहमद भाई बताएं कि यहाँ पे एडमिशन लेने का क्या तरीकाकार है? एडमिशन लेने का प्रोसेस जो है यहाँ पर, एडमिशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी की पब्लिसिटी करते हैं जो अपनी अपनी कंट्रीज़ में।
अब यूनिवर्सिटी बताते खुद जाके पाकिस्तान या इंडिया में अपनी पब्लिसिटी नहीं कर सकती, वो उनको बहुत ज़्यादा इसके लिए वसाइल चाहिए होते हैं कि जाके अपनी पब्लिसिटी करें और ये और वो। सो इस वजह से उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव हर कंट्री से रखे होते हैं जो कि वहाँ से बच्चों को लेके आते हैं। यहाँ पर अभी पहले दो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से अभी एक और ऐड हुआ, तो अब यहाँ पर तीन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को बताता चाहूँ, यहाँ पर ये मकसद नहीं है किसी की हम पब्लिसिटी करें या इस तरह के। सो अगर किसी को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वो हमें डीएम्स कर सकता है इंस्टाग्राम पे, हम इंस्टाग्राम नीचे आपको नजर आ रहा होगा, इनमें दोनों में से किसी से भी डीएम कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई दे देंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स का तो बता दिया, उसके बाद हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए अभी मैं डिवाइड करना चाहूँगा इसको कंट्रीज पे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज में डिवाइड करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए क्या है, पाकिस्तानियों के लिए पीएमसी की तरफ से कोई इतने खास रूल्स नहीं है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन आने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वापस जाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या है कि आपको जस्ट आपके 65% एफएससी में मार्क्स हों, तो चाहे आपने एमडी कार्ड भी नहीं दिया हो तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग इधर एडमिशन ले सकते हैं। बट इंडियंस के लिए क्या है, इंडियंस के लिए नीट एग्जाम्स क्लियर होना लाजमी है, उसके साथ उनकी परसेंटेज भी वो भी राउंड अबाउट 50-60% होती है, उसके बाद ये लोग एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन जो है यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ही लिया जाता है, उसकी वजह ये है कि वो आपको चीप पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस है और उसमें आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो सबसे बचने के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करते हो। हामिद भाई, फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा सिंपली एक्सप्लेन कर दें। फीस स्ट्रक्चर दो किस्म के फीस स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, वैसे तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के डिफरेंट ही फीस स्ट्रक्चर चल रहे हैं, लाइक जो पहली फीस होती है वो सबकी डिफरेंट ही होती है, लेकिन जो सेकेंड ईयर टू सेकेंड सेमेस्टर टू ऑनवर्ड फीस होती है वो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल फीस है वो $1700 है, ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी में आपने पे करनी है। उसके बाद वो आपकी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डीलिंग्स होती है और जितने में आपसे बात करता है वो एक अलहदा वो बहुत लेंथी हो जाता है। और अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लेते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ऑलमोस्ट 500 पर सेमेस्टर, वो ऐड करते हैं $2200 के करीब होता है पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हॉस्टल और मेस के बारे में थोड़ा सा, हॉस्टल का जो है वो हॉस्टल $300 जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं हूँ मैं $300 पे कर रहा हूँ हॉस्टल का, और उसके साथ जो मेस है वो 600 है, मतलब वो सेमेस्टर के हिसाब से। वैसे यहाँ पर एक सेमेस्टर जो है वो 4 मंथ्स का चलता है, स्टडिंग आवर की बात कर रहा हूँ, जो क्रेडिट आवर्स होते हैं हमारे वो 4 मंथ्स का होता है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये है कि ये मेस जो है वो सेमेस्टर के हिसाब से लेते हैं, पर मंथ्स नहीं लेते, सो उस हिसाब से वो 600 लेते हैं 4 मंथ्स का, जिसको हम सेमेस्टर भी बोल सकते हैं कि एक सेमेस्टर का 600। तो हॉस्टल में रहना कितनी देर के लिए कंपलसरी होता है या अपनी मर्जी से बाहर भी रह सकते हैं, और फ्लैट के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अपार्टमेंट्स की वीडियो हमने पहले बनाई थी, उसका लिंक हम लोग ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ये जो रूल्स है ना, ये हॉस्टल जो है वो यूनिवर्सिटी का नहीं होता, होता है यूनिवर्सिटी का लेकिन उसको मैनेज कॉन्ट्रैक्टर कर रहा होता है। सो उधर रूल्स एंड रेगुलेशन, कितनी फीस पे करनी है, कैसे रहना, वो कॉन्ट्रैक्टर खुद ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सबका डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर जाना चाहूँगा, अपनी बात लेता हूँ, मैं अगर हॉस्टल में रह रहा हूँ तो मैं $1700 पे करूँगा, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो वो $100 मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, मेरे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ये रूल है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको 1800 पे करना पड़ेगा, अगर आप इधर रहेंगे तो 1700 पे करेंगे। वैसे एक साल का ड्यूरेशन होता है जब आप एडमिशन लेके आते हैं, तो एक साल तो आपको रहना ही रहना पड़ता है, उसके बाद आप लोग बाहर जा सकते हैं। अब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का उसका डिफरेंट रूल है, जो तीसरा है उसका डिफरेंट रूल है। तो जी हामिद भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं उनके जो माइंड में होता है कि उज़्बेकिस्तान कितना सेफ है। उज़्बेकिस्तान 100% मैं आपको अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बोल सकता हूँ उसके हिसाब से कि 100% सेफ है। अभी हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा वाइड लेके जाते हैं। सबसे पहले ये सेफेस्ट क्यों है, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो मैं अपने हिसाब से समझता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, ये लोग बेसिकली टर्किश कबाइल्स की ब्रांचेस में से आते हैं। सो टर्किश कबाइल, आप अगर आप में से कोई टर्किश उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानता, तो ये बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं, अमन पसंद और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ पर आप यकीन माने कि जो फॉरेनर्स होते हैं उनको बाकायदा घर में बुलाया जाता है, दावत दी जाती है। अब दावत पे उन, आप तो जिशान भाई काफ़ी दावतों में गए भी हैं, तो आपको तो इस मेरे से ज़्यादा आइडिया होगा इसके बारे में। यहाँ पर मेहमान नवाजी जो है वो मेहमान को प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा, पूरा प्रोटोकॉल के साथ
जैसे हमारे यहाँ कोई सेलिब्रिटी आती है तो उस तरह इनके यहाँ कोई मेहमान जाता है तो उसकी इतनी खिदमत करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर फाइन जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, ह्यूज अमाउंट में फाइन होता है। लोकल्स की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी रूल्स को वो वायलेट करते हैं तो फाइन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से। और इसके बाद इनका जो लॉ है वो लॉ के हिसाब से ये पूरे फुल स्ट्रिक्ट हैं, पूरे ही स्ट्रिक्ट हैं। मतलब अगर 100% ये उस चीज़ को चाहेंगे उसे कम नहीं होने देंगे अगर रूल्स एंड रेगुलेशन पे कोई बात होती है। सो इस वजह से यहाँ पर जो है इस किस्म के, जैसे हम दूसरे कंट्रीज में, जीशान भाई आपने भी इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इवन ट्विटर पे हम लोग देखते रहते हैं, ट्रेंड्स चल रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज में। इसके साथ की स्टेट्स हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन उधर क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। वहाँ पर इवन कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जो उनको लेके आते हैं वो भी उन्हें हरास करने की कोशिश करते हैं, लोकल्स हरास करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। इवन वो इतने अनसेफ हैं कि आप लोग अगर अपने बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एटीएम यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपको 6-7 बंदे साथ लेके जाने ही पड़ेंगे, नहीं तो लोकल्स आएंगे, वो आपके साथ फाइट करेंगे और वो पैसे लेके चले